देश में इस वक्त कोयले का संकट जारी है। जिन बिजली घरों में पहले 17-17 दिन का कोयला का स्टॉक हुआ करता था, वहां अब महज 4 से 5 दिन का स्टॉक ही बचा है, जबकि आधे से ज़्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का ही स्टॉक बचा है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ने से इसकी सप्लाई कम हो गई है और घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। नतीजा, कोयले की कमी देखने को मिल रही है। न्यूज एजेंसियों के रिपोर्टर्स के मुताबिक एशिया में थर्मल कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं, जिसे चीन और भारत में कोयले का संकट खड़ा हो गया है। चीन के बाद भारत कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है। राइटर्स ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का हाई ग्रेड थर्मल कोयले की कीमत 8 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में $229 प्रति टन पहुंच गई, जबकि इस साल 30 अप्रैल को इसकी कीमत $88.56 प्रति टन थी। इसी तरह जापान और दक्षिण कोरियाई कोयले की कीमतें भी पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस साल 400% से ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशियाई कोयले को, जो 2020 में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर $22.65 प्रति टन पर पहुंच गया था, उसकी कीमत 439% बढ़कर 8 अक्टूबर को $122.8 प्रति टन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया कोयला कीमत बढ़ने के बावजूद इंडोनेशिया कोयले की तुलना में कम बेहतर है। नतीजा ये हुआ है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना ही बंद कर दिया है और इंडोनेशिया से बढ़ा दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। कोयले की बढ़ती कीमत से इसका आयात प्रभावित हुआ है। भारत ने भी कोयले के आयात में कटौती कर दी है। केपलर के हवाले से बताया है कि भारत का आयात जून के बाद से कम होता जा रहा है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछली साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया गया था। एक और भारत में कोयले के आयात में कमी आ रही है, तो इसके उलट चीन में आयात बढ़ रहा है। केपलर के मुताबिक चीन ने इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3.27 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया है, जो पिछले साल की इस हफ्ते की तुलना में 1.47 मिलियन टन ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि दूसरे हफ्ते में चीन का आयात बढ़कर 4.50 मिलियन टन हो जाएगा। लेकिन भारत और चीन दोनों के लिए ही कोयला बहुत ज़रूरी है। हालांकि कोयले की कीमत बढ़ते ही दोनों ही देशों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी गई है। चीन ने उन खनों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिसे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद करवा दिया था। वहीं भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया भी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों के सफल होने में सभी कुछ और महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक घरेलू उत्पादन वास्तव में नहीं बढ़ जाता, तब तक कोयले की कीमतों में कमी आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।